तो हाँ, तो बंधु कैसे हो दोस्तों। आप लोगों ने अनलिमिटेड टॉक टाइम का तो नाम सुना ही होगा, आप लोग कराते भी हो, लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी अनलिमिटेड बैटरी का नाम सुना है? मतलब अनलिमिटेड बैटरी भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, गारंटी से बोल सकते हैं ये हो सकता है। आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, इसी के लिए तो हम आए हैं, आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। वीडियो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग अगर इसको करना चाहते हो या फिर मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा देखिए, 10 सेकंड के लिए भी स्किप कीजिए, नहीं तो ये स्टेप मिस हो जाएगा। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बात करते हैं ये अनलिमिटेड बैटरी का कॉन्सेप्ट भैया क्या है। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमें सौरभ चौधरी और ये है ट्रेंड इंडिया चैनल, जिस पे हम बात करते हैं ऑनलाइन पे गूगल पे यूट्यूब पे ट्रेनिंग में आया हुआ कोई भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन के साथ विद 100% ट्रू एक्यूरेट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइस, क्या है कि आज के दिन में जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं वो होता है तकरीबन 4 से 5 हज़ार एमएएच का लिथियम आयन या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरी, जिसका मतलब एवरेज कर लो तो मतलब 5 हज़ार एमएएच का बैटरी हम लोग, आप लोग अगर एवरेज यूजर हो ठीक है तो 2 दिन तक चल जाता है। किसी किसी का जो लोग बहुत ज्यादा गेम करते हैं, गेम खेलते हैं, 4 से 5 हज़ार एमएएच का बैटरी उनका 1 दिन किसी भी तरीके से चल जाता है, कोई किसी किसी का तो आधा दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। ये आज के दिन का हाल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों चार्जिंग में जो दोस्तों बहुत ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट आया, पहले तो सिर्फ 5 वाट का, फिर 10 वाट का आया, फिर 18 वाट का है, अभी 30 वाट का, और Xiaomi और Oppo वाले 100 वाट और 120 वाट में कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, वो जल्दी ला देंगे। उन्होंने कहा कि वही जो है 100 वाट का चार्जर ला दिए। लेकिन ये क्या इंप्रूवमेंट हुआ, ये चार्जर में इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। और चार्जिंग में इंप्रूवमेंट हुआ तो थोड़ा सा चार्जिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो चार्जर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा मतलब, जैसे कि आप लोग किसी लैपटॉप का भी देख लो या जिसका जो 100 वाट से ज़्यादा का आउटपुट है उसका, मतलब इतना बड़ा बड़ा चार्जर होता है, ठीक है, और साइज भी बड़ा होता है, हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो नाइट्रेट गैलियम नाम से एक जो है वस्तु होता है, ठीक है, पदार्थ होता है, जिसको अगर हम लोग चार्जर में यूज़ करें तो वो चार्जर का साइज काफ़ी छोटा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट और हीट भी कम प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया चार्जर के बाद, लेकिन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं अनलिमिटेड बैटरी की बात, क्योंकि चार्जर में इंप्रूवमेंट हो रहा है, बैटरी में आज तक कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, मतलब ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। लिथियम आयन लिथियम पॉलीमर, लिथियम आयन लिथियम पॉलीमर, ठीक है, यही हम लोग को देखने को मिलता है। हाँ, कैपेसिटी बढ़ा दिया गया, 3,500 था, उसके बाद 3,500, उसके बाद 4,500, 5,000, उसके साथ साइज भी बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पतला हुआ लेकिन साइज भी बढ़ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनलिमिटेड, मतलब कभी भी चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है आपके फोन को, आपका फोन सारी जिंदगी के लिए एक बार खरीदने के बाद सारा जिंदगी चार्ज रहेगा। वो कैसे है भैया? तो अभी दोस्तों रिसेंट कुछ ही दिनों में जो है लॉन्च होने वाला है ग्राफीन बैटरी, ठीक है, ये लिथियम आयन लिथियम पॉलीमर बैटरी है। कुछ ही दिन को मतलब 6-7 महीना रुक जाओ, बहुत जल्दी जो है ग्राफीन बैटरी लॉन्च होने वाला है, जिसमें क्या है, ठीक है, अनलिमिटेड चार्जिंग नहीं है, हाँ, लेकिन ग्राफीन एक ऐसा जो है चीज है जिसके थ्रू आप लोग मतलब बहुत ज्यादा जो है पावर, मतलब जो है स्टोरेज यूज कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा जो है पावर को मतलब एक जगह में स्टोर कर सकते हो बहुत टाइम के लिए, ठीक है। मतलब आज के दिन में जो आप यूज कर रहे हो ना वो 4,000, वो 10,500 हो जाए, ठीक है, मतलब इतना। और ग्राफीन बैटरी का सबसे ज्यादा खास बात क्या है पता है? ग्राफीन बैटरी ऐसा नहीं कि नया टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वैसा पहले से ग्राफीन के ऊपर, ग्राफीन बैटरी के ऊपर मतलब एक पावर बैंक भी, कुछ पावर बैंक जो है एंकर जो है बनाती है, ठीक है, तो वो पावर बैंक भी अवेलेबल है कि जो कि 5000 एमएच का पावर बैंक है और जिसको चार्ज करने के लिए सिर्फ 18 मिनट का समय लगता है, सिर्फ 18 मिनट का, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी तक किसी फोन में नहीं है, पावर बैंक में है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो 5000 का एमएच का बैटरी 18 मिनट, ठीक है, ये सोच सकते हो, क्योंकि वो बहुत जल्दी पावर को खींच सकता है, मतलब कार्बन का एक बहुत अच्छा जो है आप उसको कह सकते हो स्रोत, ठीक है, कार्बन का, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, उस तरीके से ग्राफीन जो है बहुत शुद्ध पदार्थ है, कार्बन का एक बहुत शुद्ध फॉर्म है आप कह सकते हो, ठीक है, ये ग्राफीन बैटरी है, ठीक है, बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है ये, और थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी का होता है, साइज भी कम होता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर बात करें अनलिमिटेड बैटरी की, जो कि अभी तक नहीं आपको जानने को मिला, ठीक है। तो इसके बाद आता है सुपर बैटरीज के बारे में, ठीक है, मतलब सुपर बैटरीज जो है वो अलग कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। तो वो जो बैटरीज है वो मतलब अलग ही लेवल का है, मतलब ये जो आप मतलब इतना कम है, ठीक है, सॉलिड स्टेट बैटरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट सुपर बैटरी मतलब सॉलिड स्टेट बैटरी, ये जो आपका जो बैटरी है ना फोन में, इसमें लिक्विड है, सॉलिड स्टेट बात करें
इसलिए क्योंकि वो अगर सॉलिड है तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग अभी लिक्विड का क्यों यूज कर रहे हैं। आप लोग बोलोगे बैटरी में लिक्विड, हाँ भैया बैटरी में लिक्विड है, बहुत कम मात्रा में है, इसलिए तो वो ब्लास्ट होता है, हीट प्रोड्यूस करता है इतना ज़्यादा, और इसी के लिए जो है बहुत ज़्यादा वो कभी कभी फूल जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ठीक से पास नहीं हो पाता तो फूल जाता है, फट जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा जो तकलीफ होता है इसके लिए, मतलब किसी का मुंह जल जाता है, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना कर देख लेना, ठीक। तो ये था मतलब लिक्विड स्टेट बैटरी, लेकिन ये सॉलिड स्टेट बैटरी का क्या है कि उसमें जो है सॉलिड यूज किया जाएगा, कोई लिक्विड नहीं सॉलिड है। इसके थ्रू क्या होगा, आपका साइज तो कम होगा है, लेकिन उसका जो पावर कैपेसिटी जो है होल्ड करने का जो कैपेसिटी वो 3-4 times बढ़ जाएगा, मतलब उतने स्टेट में जितने में हम लोग 5000 mAh का बैटरी स्टोर करते थे, ठीक है, वहां पे 20,000 mAh का बैटरी स्टोर होगा, मतलब एक दिन चार्ज करके 4-5 दिन चला सकते हो और बहुत जल्दी वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी तक वो अनलिमिटेड बैटरी का नहीं, क्योंकि उसको चार्ज में लगाना तो पड़ेगा 4-5 दिन बाद। लेकिन अब आता है सबसे नई टेक्नोलॉजी जिसके लिए आप लोग यहां तक रुके हुए हो, वो है सुपर कैपेसिटर। सुन के थोड़ा सा मतलब सुपर सुपर आ रहा है, तो सुपर कैपेसिटर जो है वो एक ऐसा कैपेसिटर है, सुपर कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर का सुपर फॉर्म, ठीक है। तो एक ऐसा कैपेसिटर है मतलब फ्यूचर में, आज से फ्यूचर मतलब इतना ही नया कि 2-3 साल या फिर 5-6 साल के बाद, क्योंकि 5-6 साल ज़्यादा ही बोल दिए, क्योंकि अभी लोग बोल रहे हैं 5-10 साल, लेकिन उतना नहीं होगा क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा जल्दी इंप्रूव कर रहे हैं तो उतना नहीं, लेकिन 4-5 साल 2-3 साल कह सकते हो, इतना लग सकता है। तो सुपर कैपेसिटर क्या होता है पता है, वो बैटरी नहीं होता है, वो ऐसा चीज़ हो जाता है सिर्फ 5-6 सेकेंड के अंदर आपका जो है फुल चार्ज हो जाता है सुपर कैपेसिटर, और बहुत लंबे टाइम के लिए मतलब 1-2 हफ्ता के लिए आपका बैटरी चल सकता है। एक मतलब बैटरी तो नहीं, सुपर कैपेसिटर है वो, क्योंकि सीपीयू का मतलब अभी जो जितना पावर कंज्यूम होता है उसका भी पावर हंगरी जो है वो घट जाता है, जैसे कि इंटेल पहले कंज्यूम किया करता था, अभी कितना कम हो गया लेकिन पावर एफिशिएंसी ज्यादा हो गया, उस तरीके से वो भी तो अपग्रेड होंगे। तो सुपर कैपेसिटर जो है 1-2 हफ्ता तक आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक बार चार्ज करने के बाद 4-5 सेकंड, जैसे एक हफ्ता गया सिर्फ 5 सेकंड लगा हो गया, लेकिन ये अनलिमिटेड का एक फॉर्म हुआ, लेकिन अनलिमिटेड नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी 1 सेकंड के लिए भी हो 5 सेकंड के लिए भी चार्ज में लगाना पड़ता है। अब बात है अनलिमिटेड बैटरी, मतलब सुपर कैपेसिटर तो है, लेकिन अभी आप लोग वायरलेस चार्जिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन मतलब फोन को रख दो उसके नीचे कुछ एक एडाप्टर रख दो, वायरलेसली चार्ज होगा। लेकिन क्या दोस्तों आप लोगों ने लाइट चार्जिंग के बारे में सुना है, मतलब लाइट से चार्ज होता है आपका फोन, ठीक है। तो सुपर कैपेसिटर और लाइट चार्जिंग को मिला दिया, मतलब किसी घर में आपने एंटर किया वहां पे कोई बल्ब वुल्ब लगा हुआ है, ठीक है, उससे जो है इंफ्रारेड लाइट आया, ठीक है, एक रिसीवर के थ्रू, हाँ, तो रिसीवर आपका फोन हो गया, ठीक है, और वो जो है आपको आउटपुट दे रहा है, आपका फोन रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसको 5 सेकंड चाहिए, ठीक है। तो अभी के दिन में वो टेक्नोलॉजी बहुत घटा हुआ है, मतलब बहुत उतना जो है अपग्रेडेड नहीं है, लेकिन बाद में वो जो है बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग पावर उससे भेज सकते हैं उस लाइट से। अभी के टाइम पे उतना ज्यादा लाइट से पावर नहीं भेज सकते, लेकिन कुछ सालों बाद बहुत ज्यादा पावर भेज सकते हैं लाइट से। तो लाइट के थ्रू आपका सुपर कैपेसिटर चार्ज होगा, और फोन को सिर्फ एक बार खरीदने के बाद जिंदगी भर चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बैटरी नहीं फूलेगा, 10-20 साल आराम से चलाओ, कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि फोन का कुछ खराब होता है तो क्या होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा बैटरी खराब होता है, उसका पावर जो है क्षमता जो है घट जाता है, ठीक है, तो वही होता है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मतलब ये कब आए हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि सुपर कैपेसिटर आएगा तो सबसे पहला शायद खरीदेंगे हम ही, तो सुपर कैपेसिटर शायद उतना बड़े बन जाए उस टाइम पे यूट्यूब, ठीक है, हम, ठीक है। तो सुपर कैपेसिटर वाला लाइटनिंग चार्जिंग मतलब एक बार भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों को ये तो पूरा डिटेल्स बता देंगे कि अनलिमिटेड बैटरी कैसे मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है, अभी तो नहीं लेकिन कुछ दिनों बाद जरूर मिल जाएगा, कुछ सालों बाद, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझा पाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगा हुआ था जल्दी से अपने को आप भी प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और बताइए भैया फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, तो उनको भी थोड़ा सा मतलब झटका लगेगा, ठीक है। इस चैनल के बारे में थोड़ा बता देते कि ऑनलाइन पे जुड़े हुए ट्रेंडिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को बता देते क्या कर रहे हो भैया, सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को क्लिक करो। सो गाइस खत्म करते हैं आज का टॉपिक, कल मिलेंगे ऐसे ही दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।